हेलो क्लास 12th स्टूडेंट, स्वागत है मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाला पर। और आज हम शुरू करेंगे आपका नेक्स्ट पार्ट, और ये है प्रोबेबिलिटी का पार्ट 4, है ना। हम आपसे बोले थे कि पार्ट 4 में आपका एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 करेंगे, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि सबसे पहले टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम को कंप्लीट कर लें, ठीक है ना। क्योंकि जितना थ्योरी और कॉन्सेप्ट हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बताए हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स में बताए हैं, और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी की कहानी जो बताए हैं, उससे 13.1 और 13.2 के क्वेश्चंस बन जाएंगे। लेकिन फिर भी हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि जैसे ही हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम कंप्लीट होगा, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर देंगे। लेकिन हम आपसे ये बोल रहे हैं कि अगर आप 13.1 और 13.2 क्वेश्चंस करते हैं, तो उसमें जो डाउट है आप खुद उसे कमेंट में करके भेजें कि सर ये वाला बता दीजिए। उससे क्या होगा कि सारे मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। ऐसे क्वेश्चंस जो आपको हमेशा से आ जा रहे हैं या आपसे बन जाते हैं, उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वो क्वेश्चन देखो जो आपसे बन रहे हैं। तो इसीलिए हम आपसे बोलेंगे कि जो आप 13.1 13.2 करें, क्योंकि एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक है, और वो क्वेश्चंस केवल भेजिए कमेंट करके कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, या क्या कह रहा है, या कॉन्सेप्ट क्या इसमें लगेगा, आप इसे बता दो, हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक है। देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में क्या क्या कहानियां होती है, पहले इसको समझिए। सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास कुछ इवेंट्स दिए हैं, E1, E2, E3, .. EN, इवेंट्स आर गिवेन। लेकिन ये जो इवेंट्स हैं ना, ये सिंपल इवेंट्स नहीं है। ये इवेंट्स आपको दिए रहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो आप यहां लिख देंगे कि विच इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। और आपको दोनों ही घटनाएं बताए हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है। तो अब देखिए क्या होता है, फिर से एक बार समझा देते हैं, ठीक है ना। E1, E2, E3 अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगा, मतलब E1 से E2 का कोई लेना देना नहीं, E2 से E3 का कोई लेना देना नहीं, मतलब आप कह सकते हो कि E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन कुछ भी, अगर आप इंटरसेक्शन किसी से किसी का केवल दो ही दो का लो, E1 E2, या फिर आप ये कह सकते हो कि AI इंटरसेक्शन AER इज बिलोंग्स टू 5, मतलब कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर वेन डायग्राम के थ्रू हम आपको दिखाएं, है ना, वेन डायग्राम के अगर थ्रू अगर हम आपको दिखाएं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि ये आपका E1 इवेंट है, ये आपका E2 इवेंट है, ये आपका E3 इवेंट है, एंड सो ऑन। इसी तरह से आपका ये ER इवेंट कह लीजिए और ये EN इवेंट कर लीजिए, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। ये वेन डायग्राम में E1 इवेंट्स यहाँ है, इसका इससे कोई कॉमन नहीं, माने कोई भी कॉमन नहीं है। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी होना चाहिए। तो एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि E1 यूनियन, E2 यूनियन, E3 यूनियन, .. यूनियन, EN अगर आप करें, तो वो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस कवर होना चाहिए, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, अगर सारे प्रोबेबिलिटीज़ को जोड़ दें आप, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, क्योंकि सैंपल स्पेस पूरा कवर हो गया ना। तो इतनी कहानियाँ होनी चाहिए। उसके बाद एक इवेंट ए है ना, एक इवेंट ए है आपके पास। वो इवेंट E1 रास्ते से भी हो सकता है, E2 रास्ते से भी हो सकता है। देखिए इसमें भी कुछ कॉमन है, या E2 में भी कुछ कॉमन है, या E3 में भी कुछ कॉमन है, इसी तरह से ER में भी कुछ कॉमन है, और EN में भी कुछ कॉमन है। यानी कि ये जो ए है इवेंट, उसको कुछ इस तरह से है कि वो किसी भी पाथ से हो सकता है, किसी भी पाथ से हो सकता है। तो अगर हम पूछें आपसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है, हम ये कह सकते हैं कि ए E1 से भी हो सकता है, या ए जो है वो E2 से भी हो सकता है, या ए जो है E3 से भी हो सकता है। मतलब कि कोई भी पाथ जो है E1, E2, E3, .. EN, उसमें से किसी भी पाथ से आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो सकता है। ये और भी ज्यादा क्लियर होगा एग्जाम्पल से,
फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपके पास तीन बैग हैं, बैग वन, बैग टू और बैग थ्री। अब इन तीनों बैग में मान लीजिए कि पांच रेड सेवन ब्लैक है, यहाँ पे दो रेड एट ब्लैक है, यहाँ पे छः रेड तीन ब्लैक है। अब हम बोले इसमें से कि रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो जब आप रेड बॉल निकालने जाओगे तो आपको दिमाग में होगा कि हम बैग ए में हाथ डालें कि बैग बी में हाथ डालें कि बैग थ्री में हाथ डालें, क्योंकि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बैग ए से अलग है, बैग बी से अलग है, बैग सी से अलग है। नहीं, तीनों बैग से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी अलग है। तो सबसे पहले तो जब आप यहाँ पे खड़ा होंगे, आई होप कि देख पा रहे हैं, हाँ, जब आप यहाँ पे खड़े होंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि सबसे पहले बैग सेलेक्ट करते हैं, तो वही है पाथ सेलेक्ट करना, कि ये जो रेड बॉल है वह पाथ E1 से भी हो सकता है, पाथ E2 से भी हो सकता है, पाथ E3 से भी हो सकता है। यही है रेड बॉल का आना, यानी कि ए इवेंट का होना। तो सबसे पहले आप पाथ को सेलेक्ट करोगे, यानी कि आप पहले बैग वन को सेलेक्ट करोगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखोगे, और उसके बाद बैग सेलेक्ट करने के बाद कहोगे कि अगर हमने बैग सेलेक्ट कर लिया है कौन, बैग वन, तो बताइए रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, या आप बैग टू पहले सेलेक्ट करोगे, जैसे यहां पे हम लिखे ना प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, यदि बैग वन आया प्लस ये इसके जगह पे काम कर रहा है, फिर ये बैग टू सेलेक्ट करेंगे और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल यदि आपने बैग टू सेलेक्ट किया है। तो यही पाथ है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ए इवेंट है वो E1, E2, E3, डॉट डॉट EN में से किसी से भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए प्लस, क्योंकि E2 के साथ जो इंटरसेक्शन होगा ए का, वही ना हमारा E2 के रास्ते से ए होने की प्रोबेबिलिटी है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटरसेक्शन ए, यानी कि E3 का इंटरसेक्शन ए के साथ, तो E3 जो पाथ है ये पूरा, उसमें से ए का जो पोर्शन है उसका इंटरसेक्शन, एंड सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप कह सकते हो EN इंटरसेक्शन ए। तो अब यहाँ पे आप जानते हो हम लोगों ने इसका फार्मूला डेराइव किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, तो इसको लिखते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और फिर लिखते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर। जैसे कि आप ये फार्मूला आप देखे होंगे, इसको मिटा के हम समझाते हैं, आपको याद होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन की बी इज ऑलरेडी अकर्ड, तो ये आप पढ़े थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसी तरह से आप इसको इधर भेजते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आता है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड। या अगर इसका उल्टा रहता है कि मतलब एक तो ये आप याद रखें, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड। कैसे ये कैसे लिख सकते हैं, तो इसको यहाँ समझिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इंटरसेक्शन ए पढ़े होंगे, या ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, तो ये होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए और डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो अब इसको इधर भेजेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए को हम ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड। यानी कि आप ये कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी भी हो सकता है, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए भी हो सकता है। वो क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा कि किस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये इसी फार्मूला को अगर लगाना होगा तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी कि पाथ सेलेक्ट करेंगे जिससे वो घटना होगा, जैसे कि हम बैग सेलेक्ट करेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के होने की यदि E1 घटना हो चुका है, यानी कि रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी यदि आपने बैग वन सेलेक्ट किया है, प्लस फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 पाथ यानी कि बैग टू को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, जैसे कि यहाँ पे बैग जो है वो तीन है और तीनों आइडेंटिकल बैग है,
तो आप जब बैग सेलेक्ट करने जाओगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। क्यों होगी 1/3 1/3 1/3? क्योंकि हम तीनों में से कोई भी इक्वली लाइकली इवेंट्स है ना, हम कोई भी बैग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए तो बोला गया है कि E1, E2, E3 जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब कि तीनों की प्रोबेबिलिटीज को अगर हम जोड़ दें तो वो पूरा 1 आ जाएगा, यानी कि पूरा सैंपल स्पेस कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 पाथ सेलेक्टेड एंड सो ऑन। इसी तरह से आप लास्ट में लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 पाथ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन EN पाथ इज सेलेक्टेड। तो यही आपकी होती है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब इसके बाद बेस थ्योरम की बारी है, तो बेस थ्योरम को भी हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि बेस थ्योरम क्या होता है, ठीक है ना। बेस थ्योरम में क्या होता है, अगला हेडिंग डालेंगे आप, यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं बेस थ्योरम में क्या कहता है। पहले ये समझें बेस थ्योरम में कहता क्या है। बेस थ्योरम में कहता है कि रेड बॉल आ चुका है, जैसे यहाँ पे हमने जो बनाया था उसमें रेड बॉल आ चुका है, तो बताइए कि ये बैग 2 से आया होगा। मतलब कि हम यहाँ पे बोलेंगे कि ए घटना हो चुकी है, यानी कि ये जो ए इवेंट था वो हो चुका है, तो ये बताओ कि वो E2 पाथ से हुआ होगा चाहे E3 पाथ से हुआ होगा। जैसे कि ये 3 बैग था, बैग ए, बैग बी, बैग सी, और हम बोले कि रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो सबसे पहले हम रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि रेड बॉल आ चुका है, हमने जब बॉल निकाला तो बैग ए से भी निकाल सकते थे, बैग बी से भी निकाल सकते थे, बैग सी से भी निकाल सकते थे, जिससे डिफरेंट डिफरेंट रेड और ब्लैक बॉल्स थे। तो हमने बोला कि रेड बॉल हम निकाल लिए हैं, हमारे हाथ में रेड बॉल है, तो बताओ कि वो बैग 2 से आया होगा, क्वेश्चन नंबर 1। या फिर ये भी बोल सकता है कि रेड बॉल आ चुका है तो बैग 3 से आया होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। या फिर अगर हमारा रेड बॉल हाथ में आ चुका है तो बताओ कि वो बैग 1 से आया होगा। इसी को बोलते हैं बेस थ्योरम, यानी कि हम लोग ये पूछते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 पाथ व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड, है ना, गिवन दैट कि रेड बॉल आ चुका है। तो आप सिंपल बेस थ्योरम को आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन A, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A आप इसी फार्मूला से निकालेंगे। ये जो आप टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम निकाले हैं ना, इसी से सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकाल लीजिए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन A जो है वो यहाँ है आपका दूसरा नंबर में। तो यही इसी फार्मूला में अगर आप इसको सेकेंड नंबर मान रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन दैट कि A इज ऑलरेडी अकर बराबर 2 और डिवाइडेड बाई 1+2+3+4 एंड सो ऑन। यानी कि ये इसको 1 मान रहे हैं, इसको 2 मान रहे हैं, इसको 3 मान रहे हैं, इसको 4 मान रहे हैं, तो इसी तरह से टोटल .. ये हमारी हो जाएगी बेस थ्योरम की कहानी। तो आप हेडिंग भी डाल दीजिएगा यहाँ पे, हाँ देख पा रहे हैं, इसके ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम बेसिकली कुछ नहीं है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के बाद वाली कहानी है कि ये घटना हो चुका है तो बताओ कि इस पाथ से हुआ होगा। तो पहले हम यही निकालेंगे, और उसके बाद ये निकालने के बाद हमको जिस पाथ वाली कहानी होगी उसको ऊपर रख देंगे, और डिनोमिनेटर में इस जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो रख देंगे। अब एक आध क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। सबसे पहला हम लोग कैटेगरीज वाइज क्वेश्चंस कराएंगे, बिकॉज ऑफ कि NCERTs में इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आपके CBSE एग्जाम्स में पूछते हैं हमेशा क्वेश्चंस। तो जिस कैटेगरी के क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे पहला हम लोग लिख रहे हैं बैग्स एंड बॉल्स वाले क्वेश्चंस, और ये हमेशा याद रखना या तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम या बेस थ्योरम से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है कि 3 बैग्स हैं, बैग ए, बैग बी, बैग सी। बैग ए के अंदर 5 रेड 7 ग्रीन, बैग बी के पास 2 रेड और 5 ग्रीन, और बैग सी के पास 3 रेड और 7 ग्रीन बॉल है, ठीक है ना। तो हमें बताना है कि कह रहा है कि यू ड्रो 1 बॉल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड, है ना। हमसे पूछ रहा है कि इफ़ यू ड्रो अ बॉल, एक बॉल अगर आप निकालते हैं तो उसको रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले आप पाथ सेलेक्ट करोगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल यदि हम बैग ए सेलेक्ट किए हों, या प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ
रेड बॉल यदि आप बैग बी सेलेक्ट किए हो, या इस तरह से भी हमारा रेड आ सकता है कि आप बैग सी पहले सेलेक्ट करें और बैग अगर सी सेलेक्ट किए हो तो बताइए रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। तो भैया सबसे पहले तो बैग के बैग को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी दिया नहीं है, तो अगर तीन बैग हैं तो टोटल सिंपल स्पेस तीन हो गया और एक बैग को सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, इसको भी सेलेक्ट होने की 1/3, इसको भी 1/3, तो अब यहाँ पे हम 1/3 रखेंगे। और फिर अगर आपने बैग ए सेलेक्ट किया है तो रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो अब हमारे पास बैग है और उस बैग में से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बस बैग ए है हमारे पास, हमने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है ना, तो इसमें रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/7, 5, 12 प्लस बैग बी के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 ही इनटू रेड बॉल आने की, तो 2/5 or 2/7 और प्लस सी बे 1/3 आने की प्रोबेबिलिटी हुई और रेड बॉल आने की तो 3/10। तो अगर आप इसको जोड़ें तो जोड़ सकते हैं जो भी आंसर आएगा आपका, ठीक है ना, जोड़ सकते हैं। तो आप कर लीजिए 5/36 प्लस 2/21 प्लस ये 3/3 कट जाएगा 1/10। आप एलसीएम ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, उतना आप कर सकते हैं, ठीक है ना, वो हम करेंगे तो फिर टाइम कंज्यूमिंग होगा। फिर इसी में एक और क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे यहाँ पे दूसरा कि यू ड्रॉ अ रेड बॉल इट इज़ फाउंड टू बी नहीं यू ड्रॉ अ बॉल एंड इट इज़ फाउंड टू बी रेड बॉल देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट कम्स फ्रॉम बैग बी, है ना। कह रहा है कि इफ़ यू ड्रॉ अ बॉल एंड इट इज़ फाउंड टू बी रेड, अगर आपने एक बॉल निकाला और ये पाया जाता है कि वो रेड है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट कम्स फ्रॉम बैग बी। यानी कि आप ये पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कि वो बैग बी से आया हो यदि अगर रेड बॉल आ चुका है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन आर और डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो बी इंटरसेक्शन आर कौन है, यही तो है, इसी को तो बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल यदि बैग बी सेलेक्ट हुआ हो और डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल जो आया है ये क्वांटिटी, ये पूरी क्वांटिटी में अगर इसको सेकेंड नंबर पे मान रहे हैं तो हम आंसर लिख देंगे सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाई 1 + 2 + 3, 1, 2, 3, ठीक है ना, समझ के बात को क्लियर हो गया। यानी कि ऊपर लिख देंगे 2/21 और नीचे लिख देंगे 5/36 प्लस 2/21 और प्लस 1/10, जो भी आपका आंसर आएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसमें है कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इस पे करते हैं। देखिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें लिखा है कि एक डॉक्टर जो है वो एक अपने पेशेंट के पास जा रहा है उसका इलाज करने, ठीक है ना, एक डॉक्टर पेशेंट के पास जा रहा है इलाज करने। तो डॉक्टर जब पेशेंट के पास जाएगा तो कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट का रास्ता लेगा, ठीक है, तो वो ट्रांसपोर्ट का जो रास्ता ले रहा है आपका, वो ले रहा है बस का रास्ता ले रहा है, या फिर वो बाइक का रास्ता ले रहा है, बाइक से जा रहा है, या फिर वो मेट्रो ट्रेन से जा रहा है, मेट्रो ट्रेन, ठीक है ना। और इन्होंने बोला है कि डॉक्टर के पास ऑप्शन है, बस से भी जा सकता है, बाइक से भी जा सकता है, मेट्रो से भी जा सकता है। तो क्वेश्चन ने बोला कि अगर वो बस से जाता है, बस को सेलेक्ट करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है, ठीक है ना, और अगर वो बाइक को सेलेक्ट करता है उसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 है, और वो मेट्रो को सेलेक्ट करता है, तो आप 3×1 = 4 हो चुका है, तो 4/8 यानी कि 4/8 बचा। आप हमेशा याद रखना कि ये पाथ है, ये एक पाथ है, तो E1 इवेंट है, E2 इवेंट है, E3 इवेंट है। डॉक्टर पेशेंट के पास, अपने PATIENT पेशेंट के पास, ये तीनों रास्ता से जा सकता है, तो ये पाथ है उसका, लेकिन जाना उसे पेशेंट के पास है। तो ये जो रास्ता है वो सारे इवेंट्स जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होने चाहिए, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी जोड़ने पे 1 आना चाहिए, तभी हम मानेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब इसमें कोई कॉमन नहीं मिलेगा, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑफ कि बस से जाए और बाइक से जाए उसमें कॉमन कहाँ मिल सकता है, दोनों पे पैर रख के थोड़ी जाएगा। कि बस से जाता है तो लेट होने की जो प्रोबेबिलिटी है, अगर वो बस लेता है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी 3/8 है मान लीजिए, और अगर वो
बाइक से जाता है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, और अगर वो मेट्रो से जाता है तो उसको लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/8 है। ये लेट की प्रोबेबिलिटी है ना, कब? जब वो रास्ता चुन चुका होता है। तो बताइए आगे क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डॉक्टर रीच्ड टू पेशेंट लेट, है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डॉक्टर रीच्ड टू पेशेंट लेट, यानी कि डॉक्टर लेट पहुंचा है पेशेंट के पास, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो लेट हमारा जो हो सकता है वो बस से जाए तो भी हो सकता है, बाइक से जाए तो भी हो सकता है, और मेट्रो से जाए तो भी हो सकता है। इसका मतलब सबसे पहले हमको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को सेलेक्ट करना होगा, पाथ को सेलेक्ट करना होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ की बस सेलेक्ट किए हों, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट यदि हम बस से गए हों, यानी कि प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हम बाइक से गए हों इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट हुए हों यदि हम बाइक से गए हों, या प्रोबेबिलिटी ऑफ मेट्रो से गए हों, है ना, मेट्रो ट्रेन से गए हों इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट हुए हों यदि हम मेट्रो ट्रेन से गए हों। तो इसका मतलब बाइक से गए हों इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, हम दिए हुए हैं, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट हुए हों यदि हम बस से गए हों, बस से गए हों तो 3/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइक 3/8 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट यदि बाइक यूज किया हो 1/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ मेट्रो ट्रेन सेलेक्ट किया हो तो वो 4/8, है ना, 4/8 इनटू लेट हुए हो 7/8। ये जोड़ने पे 1 आया नहीं आया कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर वो बस से जा रहा है तो बस से लेट हो और बाइक से लेट हो, इससे लेट हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट चुनता है वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स होने चाहिए, इसकी होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट आने का, ये 3/64 हो जाएगा, और प्लस 3/64 हो जाएगा, और प्लस ये भी 28/64 हो जाएगा। तो एलसीएम हो गया हमारा 64, एलसीएम हो गया हमारा 64, 3 और 3 6, तो 28 और 6 जोड़ेंगे तो 30 और 4 34, यानी कि 34/64। तो 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 7 14, और ये 2 3 6 2 2 4 यानी कि 17/32। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इफ़ डॉक्टर रीच्ड लेट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही यूज मेट्रो ट्रेन, है ना, कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, कि वो रीच्ड हो चुका है लेट, यानी कि वो लेट पहुंच चुका है, तो बताइए कि वो मेट्रो ट्रेन से गया होगा, है ना, मेट्रो ट्रेन से गया होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो निश्चित रूप से मेट्रो ट्रेन से गया होगा, तो इसकी कहानी तो यही वाली है तीसरी, तो यही पे हम लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मेट्रो ट्रेन इंटरसेक्शन लेट आर डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट तो हम नीचे रख ही देंगे, कितना, 17/32, और ऊपर क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मेट्रो ट्रेन सेलेक्ट किया हो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट यदि मेट्रो ट्रेन सेलेक्ट किया हो। तो ये कहानी तो यही है मेट्रो ट्रेन वाली, कितनी थी लास्ट 4/8 इनटू 7/8 और नीचे 17/32। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका फाइनली, 28/64 और गुने 32/17, तो 32 × 64 और 2 से 14 बार में कट जाएगा, यानी कि 14/17 इसकी आंसर हो जाएगी, ठीक है ना, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब बढ़ जाते हैं हम लोग एक अगर और भी एक वैरायटी का क्वेश्चन है, वो है एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन नंबर 4 और एक्सरसाइज 13.3 का। कह रहा है कि इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल च्वाइस टेस्ट अ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेसेस। कह रहा है कि एक मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चंस है बच्चों को दिया गया है, तो या तो वो जानता है आंसर या तो वो गेस करता है, दो ऑप्शन है उसके पास, या तो वो आंसर सही में जानता है या फिर तुक्का मारता है, है ना, तुक्केबाजी वाला क्वेश्चन गेस करता है। कह रहा है कि लेट 3/4 विद द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, वह आंसर जानता है इस बात की प्रोबेबिलिटी है 3/4, एंड 1/4 विद द प्रोबेबिलिटी दैट गेसेस। निश्चित रूप से दोनों को जोड़िएगा तो 1 आ जाएगा, मतलब ये आपका E1 E2 की कहानी है। एज्यूमिंग दैट, ये मान लीजिए स्टूडेंट हु गेस एट द आंसर इट विल बी करेक्ट। कह रहा कि ये मानिए कि वो गेस करता है आंसर को और वो सही हो जाता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर गिवेन दैट
आंसर इज करेक्ट। आपको ये दिया जा चुका है ना। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि इट इज़ गिवन दैट कि आंसर इज करेक्ट, यानी कि करेक्ट आ चुका है आंसर, तो बताइए कि वो आंसर जानता होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नोज द आंसर गिवन दैट कि वो करेक्ट कर चुका है आंसर को। तो सबसे पहले ये जो कर चुका है ना, करेक्ट कर चुका है ना, इसी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट करे आंसर को सबसे पहले, तब ना हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ नोज द आंसर इंटरसेक्शन करेक्ट हो और डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट हो करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट करे आंसर को, तो करेक्ट कैसे कैसे कर सकता है, या तो वो आंसर जानता हो, अगर वो आंसर जानता हो नोज द आंसर देन करेक्ट, करेक्ट करे यदि आंसर जानता हो तब, या यानी कि प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कि वो गेस करे आंसर को, है ना, वो गैस करे आंसर को, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट करे यदि वो गेस कर रहा हो। तो नोज द आंसर क्या दिया हुआ है हमें, 3/4 इंटू अगर वो जानता हो तो करेक्ट करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है 1। अगर वो आंसर जानता हो 100% कन्फर्म हो तो भैया वो करेक्ट ही करेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि जानता हो आंसर तब भी गलती करेगा। तो जानता हो आंसर तब करेक्ट करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेस करे, तो गेस करने का प्रोबेबिलिटी 1/4 दिया था, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट करे आंसर को यदि वो गेस किया हो। तो इसके लिए हमको दिया हुआ है आगे कि assuming that the student who guesses at the answer, अगर वो गेस करता है आंसर को, इट विल बी करेक्ट 1/4। तो गेस करता हो तो करेक्ट करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें खुद दी हुई है 1/4 ही, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो गया ये कहानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नोज द आंसर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमको यही निकालना था ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोज द आंसर फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट करे यदि वो नो करता हो तब, जानता हो तब, और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट के लिए तो हम यहाँ पे नीचे में 3/4 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 4 कर सकते हैं, ऊपर में नोज द आंसर फिर करेक्ट अगर वो जानता हो तब, यानी पहला पोर्शन हम लोग ऊपर रख देंगे ये वाला 3/4 वाला। अब हो जाएगा 3/4 एलसीएम यहाँ पे 16 चर्चों के 16, और ये हो जाएगा चर्चों के 16 यानी कि 4 × 12 और प्लस 1 यानी कि 3/4 इंटू 16/12 और 13, तो चर्चों के 16 हो जाएगा यानी कि 12/13, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12/13 का, ठीक है ना। चलिए और एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना, उसे भी हम लोग करेंगे। कि अगला क्वेश्चन है आपका अनबायस्ड और बायस्ड क्वाइन के से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि देयर आर 3 क्वाइंस, आपके पास 3 क्वाइंस हैं। वन इज 2 हेडेड क्वाइन हैविंग हेड ऑन बोथ फेसेस, यानी कि एक क्वाइन आपके पास ऐसा है जिसमें दोनों फेस पे ही हेड है, पहला फेस पे भी और दूसरे फेस पे भी, यानी कि 100% हेड ही आएगा और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। फिर आगे कह रहा है कि जो अनदर इज बायस्ड क्वाइन दैट कम्स अप टू हेड, यानी कि एक बायस्ड क्वाइन है उस पर जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, आप कह सकते हो कि 75% है, यानी कि 75/100 आउट ऑफ द टाइम। एंड थर्ड एंड अनबायस्ड क्वाइन, अनदर बायस्ड क्वाइन दैट कम्स अप 75% ऑफ द टाइम एंड थर्ड इज अनबायस्ड क्वाइन, और तीसरा जो है अनदर इज अनबायस्ड क्वाइन। तो अगर ऐसा, ये देखो ये बायस्ड क्वाइन है और ये तीसरा जो क्वाइन है वो अनबायस्ड क्वाइन है। तो अनबायस्ड क्वाइन का मतलब कि सिंपल जो आप क्वाइन यूज करते हो वही, यानी उस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। अनबायस्ड का मतलब साधारण जो सिक्का है जिसमें कि कोई मतलब चीट नहीं किया गया, और बायस्ड का मतलब कुछ ऐसा कर दिया गया पेदी पेदी पे, कुछ ऐसा कर दिया गया या ऐसा क्वाइन ही बनाया गया कि 75 out of 100 टाइम्स वो हेड आ रहा है, और एक है तो पूरा का पूरा हेड ही आ रहा है, यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है इस केस में जब कि दोनों फेस पे ही हेड हो वो तो 1 ही होगा। तो ये 3 तरह का क्वाइन है, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि वन ऑफ द
थ्री क्वाइंस इज चूजन एट रेंडम एंड टॉस्ड। कह रहा है कि तीनों क्वाइन में से किसी एक क्वाइन को चूज किया जाता है और टॉस किया जाता है। इफ़ इट शोज हेड और पाया जाता है कि ये हेड शो करता है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज टू हेडेड क्वाइन। यानी कि ये पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेडेड क्वाइन है ना, टू यानी कि आप ये कह सकते हो, हाँ लिख दो पूरा अच्छे से, टू हेडेड क्वाइन गिवेन दैट क्या कि हेड आ चुका है, हेड कम्स। तो निश्चित रूप से ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन हुआ। तो सबसे पहले हेड कम्स आ चुका है उसी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कम्स, ठीक है ना। तो हेड कम्स क्योंकि ये इन्होंने बोला है इट शोज द हेड, तो हम शोज द हेड यही निकालते हैं, ऐसे लिख देते हैं शोज हेड। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सबसे पहले तो आप तीन क्वाइन में से क्वाइन को सेलेक्ट करोगे, तो ये क्वाइन ये क्वाइन ये क्वाइन तीन क्वाइन है आपके पास, तो सबसे पहले आप क्या करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वाइन वन सेलेक्ट करें इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आए यदि आप क्वाइन वन सेलेक्ट किए हो तब, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वाइन टू सेलेक्ट करें आप, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड यदि क्वाइन टू सेलेक्ट किए हो तब, बस आ रहे हैं सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वाइन थ्री सेलेक्ट करें इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आए यदि क्वाइन थ्री सेलेक्ट किया हो तब, ये कहानी। तो क्वाइन वन सेलेक्ट किया हो तो क्वाइन को तो सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी दी ही नहीं है, इसका मतलब तीन में से कोई भी क्वाइन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी वन बाई थ्री हो गई, इसको भी इसको भी इसको भी। तो क्वाइन वन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी वन बाई थ्री इंटू, अगर क्वाइन वन सेलेक्ट किया इन्होंने तो डबल हेडेड था तो उस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 100% यानी कि वन। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वाइन टू सेलेक्ट किया हो, ये क्वाइन सेलेक्ट किया हो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वन बाई थ्री। और इस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी यदि ये क्वाइन को सेलेक्ट किया हो तो 75/100 यानी आप 25 से काटो, 25 या 75, 25 चौके 100 यानी कि ये हो गया 3/4। फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वाइन थ्री सेलेक्ट किया हो तो 1/3 क्योंकि क्वाइन तो हम लोग 1/3 से ही सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये क्वाइन सेलेक्ट किया हो तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो भैया ये तो बायस अनबायस्ड क्वाइन है, मतलब सिंपल साधारण जो क्वाइन हमारे पास होता है तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हुआ करता है। अब ये पूछ रहा है अगर, तो हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेडेड क्वाइन यानी कि पहला केस और डिवाइडेड बाई 1+2+3 आप लिख सकते हो इंटरसेक्शन वगैरह लिख के। तो अब यह वन क्या है हमारा 1/3 है, तो ये हो गया 1/3 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारा 1/3 प्लस ये 3 से 3 कट गया 1/4 प्लस 1/3 × 6 यानी कि आपका आंसर हो गया 1/3 डिवाइडेड बाई एलसीएम ले तो हम 4 × 12 कह सकते हैं और ऊपर हो जाएगा 3 × 12 प्लस 4 × 12 प्लस 6 × 12 यानी कि 1/3 × 12 डिवाइडेड बाई 4 × 3 = 7 और 7 × 2 = 9 तो 3 × 12 यानी कि आंसर हो गया 4/9 इस क्वेश्चन का। तो आई होप कि हमने हर तरह का क्वेश्चंस को लेने का कोशिश किया, फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस में अगर आपको क्वेरी आता हो डाउट आता हो तो बेहिचक आप कमेंट करें कि सर इस टॉपिक का ये क्वेश्चंस आप कर दें, या हमारे व्हाट्सएप नंबर 870-946-896 पे आप क्वेश्चंस भेज दें, उस क्वेश्चंस को हम अपलोड कर देंगे वीडियोस बना के, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। एक और बात बता दें कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस्ड थ्योरम तक ही आपका क्वेश्चन था।